बैठे हैं शिवराज सिंह चौहान, जो कि चौहान शपथ लेने के लिए जा रहे हैं। और बहुत ही बड़ा मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। और शिवराज सिंह चौहान, जो कि लगातार चार बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, मध्य प्रदेश की कमान संभाल चुके हैं, इस बार विदिशा से सांसद चुनके आए हैं और 8 लाख से भी ज्यादा रिकॉर्ड मतों से उन्होंने जीत हासिल की, एक बहुत बड़ी जीत हासिल की। जब उनका नाम पुकारा गया तो मेहमानों और जनता के बीच का जो उत्साह था, जो शपथ ग्रहण में पहुंचे हैं वो शोर के रूप में किस तरह सामने आया, उसको भी आप लोगों ने महसूस किया होगा। शिवराज सिंह चौहान अब मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं, उनको पोर्टफोलियो क्या मिलेगा ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल आकर के उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन किया।